जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रीराम पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज योर इंग्लिश क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 6 हाइवाथा। दिस पोयम इज कंपोज्ड बाय H.W. लॉन्गफेलो। लॉन्गफेलो वाज बोर्न on 27 February 1807 in Portland, Maine, United States. Let's start poem. Hiawatha was a young red Indian boy. Hiawatha ek young red Indian boy tha. He lived with his old grandmother Nokomis in a wigwam. Wigwam means an oval shaped shelter. वह अपनी बूढ़ी दादी माँ नोकोमिस के साथ wigwam में रहता था. Nokomis taught Hiawatha about the wonders around them. नोकोमिस ने हाइवाथा को उसके चारों तरफ जो अच्छी अच्छी चीज़ें थीं उसके बारे में बताया था. शी टोल्ड हिम अबाउट द स्टार्स, द ट्रीज, द इंसेक्ट्स, द बर्ड्स, द एनिमल्स एंड मैनी अदर थिंग्स. उन्होंने उसको तारों, पेड़ों, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों, चिड़ियों, जानवरों और बहुत सी दूसरी चीज़ों के बारे में बताया था. हाइवाथा ग्रीव अप टू लव देम ऑल. हाइवाथा उन सबको प्यार करते हुए बड़ा हुआ. He could talk to the birds and the animals. वह चिड़ियों और जानवरों से बातें कर सकता था. And they to him. और वे सब भी उससे बातें कर सकते थे. Then the little Hiawatha learned of every word its language. तब यह छोटा सा हाइवाथा सभी चिड़ियों के लैंग्वेज को जानता था. Learn their names and all their secrets. वह सभी चिड़ियों के भाषा को जानता था, इसीलिए वह उनके नेम्स और उनके सभी सीक्रेट्स को भी जानता था. हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट्स इन समर. वे अपने घोंसलों को गर्मियों में कैसे बनाते थे. वेयर दे हाइड देमसेल्व्स इन विंटर. वे विंटर में अपने आप को कैसे बचाते थे. टॉक्ड विथ देम वेन एवर ही मेट देम. जब कभी वह उनसे मिलता था वह उनसे बातें करता था. कॉल्ड देम हाइवाथाज चिकेंस. वह उनको हाइवाथा के चिकेंस के नाम से बुलाता था. ऑफ ऑल बीस्ट्स ही लर्न द लैंग्वेज. एक तरफ जहाँ वह सभी चिड़ियों के लैंग्वेज को जानता था वहीं दूसरी तरफ वह सभी जानवरों के लैंग्वेज को भी जानता था. लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स. यही रीज़न था कि वह उनके नेम्स और उनके सभी सीक्रेट्स को भी जानता था.
how the beavers built their lodges. Beavers means a broad-tailed mammal. Beavers अपने घरों को कैसे बनाते थे. Where the squirrels hide their acorns. Acorns means the fruit of oak. Squirrels अपने acorns को कहाँ छुपाते थे. How the reindeer ran so swiftly. Reindeer means a deer with large horns. Reindeer इतना swiftly, swiftly means इतना तेज कैसे दौड़ते थे. Why the rabbit was so timid. Timid means to show fear. Rabbit इतना डरपोक क्यों था. Talked with them whenever he met them. जब कभी वह उनसे मिलता था वह उनसे बातें करता था. Called them Hiawatha's brothers. और वह उनको Hiawatha के भाइयों के नाम से बुलाता था. थैंक यू. हैव अ गुड डे.